नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि किसान संघों ने दोपहर 2 बजे दोबारा मीटिंग की। इससे पहले पंजाब के 30 किसान संघों की सुबह 11 बजे बैठक हुई, जिसमें किसानों ने बुराड़ी मैदान जाने से इनकार कर दिया। मीटिंग के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर हमला बोला। किसानों ने कहा कि सरकार ने हमारे आंदोलन का अनादर किया। हम लोगों ने बुराड़ी मैदान में आंदोलन का सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा कि बुराड़ी मैदान नहीं, ओपन जेल है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की थी कि वो दिल्ली के बुराड़ी इलाके में ही अपना आंदोलन करें और सरकार आपसे बातचीत के लिए तैयार है, जिसे किसान नेताओं ने खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को बातचीत के साथ शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। हम बिना शर्त सरकार से बात रखना चाहते हैं। इसके बाद गृह सचिव अजय भल्ला ने मोर्चा संभाला और किसानों से बातचीत का ऑफर दिया। अब इस पर किसानों का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा सरकार पर किसानों को भड़काने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंजाब के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान के प्रदर्शन को लेकर मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, मगर वो फोन पर उपलब्ध नहीं हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को दोहराया कि अगर कोरोना वायरस के चलते कोई खतरनाक परिस्थिति बनी तो उसके लिए पंजाब सरकार ही जिम्मेदार होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से किसान के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, मगर उन्होंने किसी भी तरह की कॉल आने से साफ इनकार किया। जब मैंने उन्हें कॉल करने के सबूत दे दिए तो अब वे निशब्द हैं। एक और जहां ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन को घातक महामारी से बचाने का सबसे असरदार हथियार माना जा रहा था, अब अमेरिका में एक्सपर्ट के वैक्सीन पर चिंता जाहिर करने के बाद ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों ने इसकी सुरक्षा और असर का आकलन करने के लिए और ज्यादा डेटा की जरूरत बताई है। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर जॉन बेल ने CNBC को बताया कि प्रेस रिलीज के जरिए साइंटिफिक नतीजों के ऐलान में समस्या रहती है, और वह समस्या ये है कि आपके पास पूरा डेटा नहीं होता और लोग सही से डेटा को देख समझ नहीं पाते। WHO में इम्यूनाइजेशन वैक्सीन और बायोलॉजिकल्स डायरेक्टर कैट ओब्रायन ने भी बेल से सहमति जताई है। कैट ने कहा, प्रेस रिलीफ में सिर्फ सीमित जानकारियां दी जा सकती हैं और वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स कैसे पैदा करता है, इसकी तरह और भी ज्यादा जानकारियां चाहिए होती है। जेनेवा मुख्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कैट ने बताया कि प्रेस रिलीज के बारे में जो समझाया गया है उसमें काफी दिलचस्प चीजें पाई गई, लेकिन जो अंतर देखे गए उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP कश्मीर घाटी में खुद का इकोसिस्टम बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि वे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी कहते हैं, तो इस देश में हिंदुस्तानी कौन है? मुझे लगता है BJP यहाँ अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है जिसमें रियल देयर इज नो प्लेस फॉर रियल डेमोक्रेसी इन BJP's इंडिया। दे वांट टू क्रिएट देयर ओन इकोसिस्टम। उनके अपने पपेट्स हैं, यहाँ बी टीम्स हैं जिनको वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, और यही वजह है कि DGC के इलेक्शंस में ये इतनी जान मार रहे हैं। इतना अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते दे वुड हैव कॉल्ड अस पाकिस्तानीज, बट सिंस वी चोज टू बी पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शंस, अब हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं रोजाना। हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं है, और जो सिक्योरिटी के बगैर भी जाना चाहते हैं उनको भी घर से एक पुलिस वाला गेट के पे रखते हैं, बोलते हैं आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो दिस इज नॉट डन। ये कैसे चलेगा? क्या ये मुल्क जो है BJP के एजेंडे पे चलेगा? तो मुझे लगता है कि बहुत ही अंधेर है, अंधेर नगरी चौपड़ राज हो रहा है यहाँ पर,
और आप बात मत करो, 370 पे बात मत करो। अरे आपके मिनिस्टर यहाँ आते हैं, आउट ऑफ 10, 9 out of 10 टाइम्स वो 370 की बात करते हैं। और मुझे समझ नहीं आता जब वो इतने कॉन्फिडेंट है कि 370 खत्म हो गया है, वो वापस नहीं आएगा, तो why do they get rattled when I talk about 370? Why do they get rattled so much? Why I am being told indirectly, directly इस पे बात मत करो। पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं कि आपके निकलने के बाद यहाँ जी लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, आप प्रोवोक करती हो लोगों को बात करने के लिए। सो द ओनली थिंग दे आर ट्राइंग टू डू इज दैट दे वॉन्ट टू, यू नो, दे आर वॉन्ट टू गेट टू मी। कुछ मिल नहीं रहा है और मेरी पार्टी को बैन करना चाहते हैं, मुझे मेरे पीछे पड़ना चाहते हैं क्योंकि मैं एक आवाज़ उठाती हूँ। और मुझे बार बार कहा जाता है कि जब से आप छूट गई हैं तभी से बात होने लगी, तो मैं उसमें मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है?